वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, यही है इस बार G20 समिट की थीम जो कि इंडिया में हो रहा है। 18वां G20 समिट हो रहा है इंडिया में और कोलकाता भी इसका पार्ट है। हम देख सकते हैं कि कोलकाता पूरा सज धज के तैयार है और आज से जो शुरू हुआ है G20 समिट, अगले 3 दिन तक चलेगा ये G20 समिट कोलकाता में, जो कि शुरुआत किया गया है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो विश्व बंगला कॉन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, फॉरेन काउंसिल के मेंबर्स, राष्ट्रदूत सभी यहाँ पे आ रहे हैं। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो विश्व की मीटिंग है, उस मीटिंग का पार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें 19 देश है, साथ ही साथ एक नेशन है और वेस्ट बंगाल भी इसका एक पार्ट बन चुका है इस साल। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि इधर का ट्रेडिशनल जो आर्ट्स है बंगाल की, वो भी डिपिक्ट किया गया है, वो भी सजाया गया है, ताकि विश्व के सामने एक नज़ारा रखा जाए कोलकाता का और वेस्ट बंगाल का। और ये जो नज़ारा रखने की बात है, बंगाल तो ट्रेडिशनली आर्ट फॉर्म से बहुत ही आगे है और आगे भी, ताकि ये फिनेंशियली भी डेवलप करे, जो G20 समिट की मूल जो अभिधान रहती है उसके साथ चले और विश्व में कोलकाता भी एक स्थान बना ले, एक वेस्ट बंगाल भी एक स्थान बना ले, यही जो आशाएं है वो रखा जा रहा है। और वही जो डिस्कशन अगले 3 दिन तक इस G20 समिट में चलेगा, ताकि फिनेंशियली इकोनॉमिकली और सभी जगह से वेस्ट बंगाल और इंडिया स्ट्रांग बने और बाकी सारे देश भी स्ट्रांग बने। कैमरा में अर्घो घोष के साथ अनिर्वाण, आज तक कोलकाता।